डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट नरेशन। तो डायरेक्ट किसे कहते हैं? डायरेक्ट जब वक्ता वक्ता के कथन को वक्ता के ही कथन के रूप में लिखा जाता है उसे डायरेक्ट कहते हैं। इनडायरेक्ट जब वक्ता के कथन को हम अपने शब्दों में व्यक्त करते हैं तो उसे कहते हैं इनडायरेक्ट। अब यहां पर हमें पर्सनल प्रोनाउन के संबंध में जानना आवश्यक है थर्ड पर्सन। तो इसके लिए उसमें केस और नंबर की जानकारी होना आवश्यक है। तो यह फर्स्ट पर्सन है, सिंगुलर नंबर, नॉमिनेटिव केस, ऑब्जेक्टिव केस, पजेसिव केस। तो नॉमिनेटिव केस में आई, मी, माई, माइन। प्लूरल नंबर में वी, अस, आवर। या आवाज होते हैं। इसके बाद सेकेंड पर्सन, नॉमिनेटिव केस में यू होगा, ऑब्जेक्टिव केस में यू होगा, पजेसिव केस में योर या योर्स। फिर थर्ड पर्सन,
टेबुलर नंबर माइस्कोली जेंडर, इसमें ही हिम हिज फेमिनिन जेंडर, फेमिनिन जेंडर में सी सी आर आर्स या आर्स, न्यूट्रल जेंडर होगा न्यूट्रल जेंडर में इट 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 ऑल जेंडर, दे देम 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 बियर या बियर ये होते हैं। तो इस तरह से जो है पहले जो है पर्सनल प्रोनाउन में या फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है कि सेकंड पर्सन का है या थर्ड पर्सन है, इनकी जानकारी होना आवश्यक है। अब इसके बाद जो है हम आगे बढ़ते हैं या डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में बदलने के लिए, तो इसके दो भाग होते हैं। डायरेक्ट स्पीच के दो भाग होते हैं, एक कामा के बाहर होता है, एक इन्वर्टेड कामा के अंदर होता है। तो इसे जो कामा के बाहर होता है, जैसे ही सेड टू मी, I am writing an essay। अब यहां पर जो है दो भाग हो गए, एक कामा के बाहर एक कामा के अंदर। तो जो कामा के बाहर होते हैं उसे रिपोर्टिंग स्पीच कहते हैं, और जो कामा के अंदर होता है उसे
रिपोर्टेड स्पीच ये कहा जाता है और रिपोर्टिंग स्पीच की क्रिया को रिपोर्टिंग वर्ब कहा जाता है। इसी प्रकार रिपोर्टिंग स्पीच की क्रिया को रिपोर्टेड वर्ब कहा जाता है। अब यहां पर यह ध्यान देना है कि अगर रिपोर्टिंग स्पीच का वाक्य पास्ट टेंस में है तो रिपोर्टेड स्पीच का वाक्य भी अपने उसी पास्ट टेंस में चला जाएगा। जैसे यहां पर ही सेड दिया है यह पास्ट टेंस है इंडेफिनिट है और यहां पर रिपोर्टेड क्या है प्रेजेंट कंटीन्यूअस है तो वह चला जाएगा पास्ट कंटीन्यूअस। अब यहां पर यह देखना है कि अगर रिपोर्टिंग स्पीच में जो वर्ब है उसके बाद सेट टू का प्रयोग किया गया है तो सेट टू के स्थान पर टोल्ड का प्रयोग करते हैं। सेट टू को इसको लिखा जाता है टोल्ड यहां पर हो जाएगा ही टोल्ड Told me। इसके बाद इन्वर्टेड कॉमा को हटा देंगे और इसमें जो है रिलेटिव प्रोनाउन दैट का प्रयोग किया जाता है। फिर रिपोर्टेड स्पीच का फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन रिपोर्टिंग स्पीच के कर्ता के अनुसार बदलते हैं लेकिन केस रिपोर्टेड स्पीच का होगा तो यहां पर आई फर्स्ट पर्सन है रिपोर्टिंग स्पीच का कर्ता ही है आई नॉमिनेटिव केस है तो ही का नॉमिनेटिव केस ही होगा। अब आगे जो है यह प्रेजेंट कंटीन्यूअस है तो यह चला जाएगा पास्ट कंटीन्यूअस ही वाज राइटिंग एन एसे। इन्वर्टेड कॉमा को हटा देंगे। इसी तरीके से जैसे सी सेड I beat him badly। अब यहां पर said के बाद object नहीं है इसलिए said को said ही रखा जाता है तो यहां पर she said फिर inverted comma आएंगे दैट का प्रयोग किया जाएगा। आई फर्स्ट पर्सन है या रिपोर्टिंग के कर्ता के अनुसार रिपोर्टिंग का कर्ता सी है आई नॉमिनेटिव केस है तो सी का नॉमिनेटिव केस सी होगा और यह प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो चला जाएगा पास्ट इंडेफिनिट तो सी बी और हिम जो है नो चेंज होगा इसलिए कि थर्ड पर्सन नो चेंज होता है यहां पर हिम हो जाएगा फिर बैडली हो जाएगा यह होगा। तो इस तरह से डायरेक्ट इनडायरेक्ट में हम देखेंगे कि अगर रिपोर्टिंग स्पीच पास्ट टेंस में है तो रिपोर्टेड स्पीच अपने जो है उसी टेंसों में चला जाएगा पास्ट में प्रेजेंट इंडेफिनिट का पास्ट इंडेफिनिट प्रेजेंट कंटीन्यूअस का पास्ट कंटीन्यूअस प्रेजेंट परफेक्ट का पास्ट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस का पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस में चला जाएगा। यदि रिपोर्टेड स्पीच पास्ट इंडेफिनिट है तो
तो वह पास्ट परफेक्ट में होता है और पास्ट कंटीन्यूअस है तो पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस में परिवर्तित होगा। जैसे कि I said to her, I said to her, you you gave me a book। अब यहां पर यह रिपोर्टिंग जो होगा वो पास्ट टेंस में है, रिपोर्टेड पास्ट इंडेफिनिट में है, तो यहां सेट टू की जगह जो है टोल्ड लिख देंगे। आई टोल्ड हर साधारण वाक्य है, यहां पर दैट का प्रयोग करेंगे। अब यू जो है सेकेंड पर्सन है, सेकेंड पर्सन रिपोर्टिंग की ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलेंगे। यहां पर यू नॉमिनेटिव केस है, हर ऑब्जेक्टिव केस है, तो हर का नॉमिनेटिव केस यहां पर प्रयोग किया जाएगा, यहां हो जाएगा सी। फिर इसके बाद पास्ट इंडेफिनिट है, यहां पर पास्ट परफेक्ट होगा, हैव गिवन पे मी शब्द है, मी फर्स्ट पर्सन है, ऑब्जेक्टिव केस है, तो फर्स्ट पर्सन कर्ता के अनुसार होगा। ऑब्जेक्टिव केस है तो यहां पर आई का ऑब्जेक्टिव केस होगा मी होगा। तो इस तरीके से जो है हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में परिवर्तित साधारण वाक्यों में करते हैं।